दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं अपने आप को ज्ञानवान बनाना, बुद्धिमान बनाना, आप चाहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना, आपको भी अकेलेपन का सहारा लेना होगा। अकेलेपन से बड़ा आपका कोई साथी नहीं होता। और आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं सक्सेस, समझदारी, विकसित बुद्धि, महानता और खूब सारा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं, तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि आपको भी अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके लिए आपको अकेलेपन का सहारा लेना होगा। अकेले रहेंगे, अकेले रहने से बहुत कुछ सोचेंगे। दोस्तों बहुत बड़े बड़े लोगों के जब इंटरव्यूज किए गए, तब उनसे पूछा गया कि आपके पास ये थॉट्स आते कहां से हैं? मतलब ये सोच आप कैसे लेते हैं, जो सोचना दूसरों के लिए एक नामुमकिन चीज होती है। और उन सभी ने बताया कि वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एक कमरे में अपने आप को बंद करके सोचने पर ध्यान जा देते हैं, स्टडी पर, किताबों को पढ़ने पर या फिर ऑनलाइन कुछ ना कुछ पढ़ने में वो ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि उनके दोस्त, उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। और सभी महान लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने लोग उनसे नजदीकियां बढ़ाते हैं, वो सिर्फ इसलिए नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो आज सक्सेस हो पाए हैं। जैसे बहुत बड़ा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारा क्रिकेटर जिसको हम धोनी के नाम से जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक से एक बड़े चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को बखूबी, किस्मत, बहुत लोग बोलते हैं कि लक ने बहुत साथ दिया महेंद्र सिंह धोनी का, पर चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस को सही तरीके से फेस करना, ऑड सिचुएशंस में जो आपकी बुरी परिस्थितियां होती हैं जीवन की, ऑड सिचुएशंस में भी अपने दिमागी संतुलन को संतुलित बनाए रखते हुए जो जीत पाता है, उसी को बोलते हैं कि चैलेंजेस पर उसने काबू पा लिया। कंपटीशन, जितनी बड़ी उपाधियां होंगी, जितनी बड़ी शख्सियत आप बनना चाहते हो, जितनी बड़ी बड़ी उपाधि पर जाओगे, जितनी बड़ी रैंक पर जाओगे, जितनी बड़ी पोजीशन पर जाना चाहते हो, वहां चैलेंजेस तो होंगे। चैलेंजेस होंगे हर जगह, भाई भतीजावाद नहीं होता। क्योंकि ये स्लोगन आपको भूलना नहीं चाहिए कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसमें वो काबिलियत होगी राजा बनने लायक। क्योंकि जीत से कम मंजूर कुछ भी नहीं, जीत से कम आपको कुछ भी मंजूर होना नहीं चाहिए। और अगर जीत से कम आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आप भी उसी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाते हैं जहां लोग हमेशा दूसरा ऑप्शन लेकर चलते हैं। निर्णय आपको लेना है, आपको चैलेंजेस फेस करने हैं या सिर्फ कॉम्पिटिशन्स तक ही रहना है, या फिर कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा आपको नहीं बनना। क्योंकि दोस्तों चुनौतियां या चैलेंजेस तो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर पाते हैं जिन्हें लड़ना आता है, जिनके अंदर वो इच्छा शक्ति होती है। जिस दिन आप अपने जीवन को महान बनाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ना शुरू कर देते हो, आपके आसपास की हर तरह की पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो सभी एक साथ आपको जितवाने में लग जाती है। दोस्तों अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो आपने सपना देखा है बचपन से, जब एक इंसान पैदा होता है तो बहुत सारे सपनों के साथ तो पैदा होता है, पर उस वक्त वो सोच नहीं सकता। क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है उसे खुद नहीं पता, उसको खुद को क्या, किसी को नहीं पता दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस एक पर्पस को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। आपको भी अपना जीवन कुछ इस तरह व्यतीत करना चाहिए कि आप भी किसी मिशन पर आए हैं और कुछ आपके भी सपने हैं। बिना सपनों के कोई भी इंसान उस एक डेड बॉडी की तरह है जिसको सोचने की शक्ति नहीं, कुछ करने का उसका मन नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ा सोचिए और जिस दिन वो बहुत बड़ा आप अचीव कर लो, तो वहां पर उसी नोटिस बोर्ड पर एक लाइन लिखकर टांग दीजिए, ये तो सिर्फ एक पड़ाव भर था उस मेरी मंजिल के लिए जिस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि सपने पूरे होते हैं दोस्तों। सपना आज आप कोई देखोगे, कल आप पूरा भी कर लोगे, पर कल पूरा करने के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। तो बेहतर है अगले सपने के लिए फिर से आप उड़ान भरें। और जो लोग सपने देखते हैं, जितना आप सोच सकते हो उतना आप कर भी सकते हो। जितना मर्जी आप बड़ा सोच लो उतना बड़ा आप कर सकते हो। और जो इंसान सोच सकता है वो इंसान करके भी दिखा सकता है। आपको उसके लिए काम करना चाहिए, आपको उसके लिए जीना चाहिए और साथ में ही अपने आप को हर वक्त सशक्त बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए और ज्ञान जितना हो सके लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बिना आपकी जिंदगी अधूरी है दोस्तों।